नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो केंद्र की मोदी सरकार अब वन नेशन और वन इलेक्शन लेकर आने वाली है। अब आप कहोगे कि वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा क्या होने वाला है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दरअसल सूत्रों से ये खबर आ रही है, ऐसा दैनिक भास्कर ने लिखा कि जल्द ही इसी कार्यकाल के अंदर ही मोदी सरकार वन नेशन और वन इलेक्शन लेकर के आ जाएगी। मतलब ज्यादा नहीं, होले होले 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इस समय के अंदर जो है केंद्र की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ जाएगी। अब मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ। देखिए, दरअसल जब भी चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, आम चुनाव, क्षेत्र के चुनाव, जितने भी ये चुनाव होते हैं ना, इन चुनाव को कराने के लिए बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी अमाउंट में जो है पैसा खर्च होता है। अब इतना बड़ी अमाउंट में हर बार पैसा खर्च होता है सरकार की तरफ से, जो कि देखिए भाई काफ़ी दुविधा का विषय है कि इन चुनाव को कराने के लिए हर बार देखिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वन नेशन और वन इलेक्शन लाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उम्मीद है अगले कुछ महीनों के अंदर ये लागू हो जाएगा। अब मैं आपको इसके कुछ और फायदे भी बताता हूँ और कुछ बेनिफिट्स आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार को आए हुए, एनडीए सरकार को आए हुए कह सकते हो आप, पूरे 100 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं। देखते देखते भाई 3 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बने हुए। जिसके बाद अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पैनल के सुझाव ये हैं कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक का बढ़ाया जाए। और देखिए, पहले फेज में जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं और दूसरे फेज में 100 दिनों के बाद लगभग लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो सिंपली पहले फेज में तो देखिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पर नज़र रखी जाएगी, मतलब हर बार आगे ऐसे ही होया करेगा, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पर पहले फेज में नज़र रखी जाएगी और जिसके बाद जो है आम चुनाव होता है, बाकी के जो चुनाव हैं उन सबको एक साथ कराया जाएगा। और चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। एक सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड भी तैयार किए जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं कि अलग अलग वोटर लिस्ट आ रही है, सबके अलग वोटर आईडी कार्ड आ रहे हैं सब इलेक्शंस के, मतलब विधानसभा के, लोकसभा के, आम चुनाव के, सबके अलग अलग कार्ड्स आ रहे हैं, वोटर आईडी सबको एक में एडजस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर के भारत का पैसा तो बचेगा ही, उसके साथ में बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं आपको अभी नहीं गिना सकता। बहुत सारे फायदे हैं जो कि होने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जब तीसरे कार्यकाल में जो एनडीए सरकार आई थी ना, इसके स्टार्टिंग में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये बिल लाने की पूरी पूरी घोषणा करी थी कि ये बिल जल्द से जल्द आ सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम इसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, इससे हमारे भारत को जो है बहुत फायदा होगा। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन अभी और कंट्रीज़ में चल रहा है, बाकी के देशों में, काफ़ी देशों में चल रहा है और काफ़ी देशों में नहीं भी चल रहा है, उनमें से एक भारत भी है। लेकिन अब इसको भारत में लागू करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी विपक्षी नेता को किसी को गलत लगता है तो उसका क्या ही कहा जा सकता है। फिर दरअसल देखिए, अभी लोकसभा चुनाव हुए थे ना, बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी वाली अमाउंट जो थी ना, इन लोकसभा चुनाव को कराने के लिए रखी गई थी, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड हुआ था लोकसभा चुनाव कराने के लिए। और ये कहा भी जाता है कि भाई चुनाव में ना, सिंपली देखा जाए ना, सबसे बड़ा खर्चा जो होता है ना पूरे कार्यकाल में, वो चुनाव के अंदर ही होता है, चुनाव कराने के दौरान में, क्योंकि ईवीएम से लेकर बैलेट पेपर से लेकर सब चीज़ में भाई पैसा इन्वेस्ट होता है। अभी लोकसभा के हुए, विधानसभा के हुए, इस तरह से राज्यसभा के, आम चुनाव, बहुत सारे चुनाव होते हैं और सब में पैसा तगड़े वाला इन्वेस्ट होता है। जिसके बाद अब ये बिल आने से बहुत फायदा रहेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये मोदी सरकार का नया फैसला आया है वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में, क्या आपको ये फैसला बेहद ही अच्छा लगा या आप इसको, फैसले को एक तरीके से नाकार दोगे, बेहतर फैसला आपको नहीं लगा? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, और ज्वाइन बटन से आप चैनल की आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं।